हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज आप लोग का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, और जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। कहता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नर्मलता, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता। तो यह जो है मतलब कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो दो का आप लोग आंसर दीजिए ए बी सी डी में। तो क्या हो जाएगा इसका? मोलरता बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चला तीन का देखिए। तीन में कहता है कि किसी विलयन के 200 ml 2 ग्राम NaOH घोल को विलयन में मोलरता है। ए तो ए बी सी डी में आप लोग जो है, अरे चार नंबर क्वेश्चन पढ़ दिए। तीन नंबर में देखो, केन शुगर अनुभार इतना इतना में 5% घोल X के साथ 1% घोल आइसेट्रोनिक है, यक्ष का अनुभार क्या होगा? तो तीन का आप लोग आंसर दीजिए। इसका अनुभार पूछा, तो अनुभार जब निकालेगा नहीं तो कम आएगा, ये वाला आ जाएगा 68.4 आएगा। चार नंबर देखिए, चार में कहता है कि किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH को घोल को मोलरता क्या होगा? तो चार का जब आप लोग मोलरता निकालिएगा तो इसका आएगा ए नंबर 0.25। पांच में नंबर देखिए, इतना इतना ग्राम में चीनी, इतना इतना ग्राम में चीनी घोल का मोलरता सांद्रता क्या होगा? तो पांच का आप जो लोग आंसर दीजिएगा निकालिएगा तो कौन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो छः नंबर देखिए, छः में कहता है घोल के 1 kg उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, निर्मलता कहते हैं, मोल भोजन, तो इसको मोललता कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चला अगला क्वेश्चन देखिएगा। सात नंबर में कहता है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? ए में है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, बी में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, या सी में ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, ए बी सी डी में आप लोग आंसर दीजिए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो यह जो है राउल्ट नियम का पालन करता है। चलो सात नंबर में देखिएगा। आठ नंबर बोलो, HCl एवं H2O में स्थिर क्वाविथी मिश्रण होगा 48%, 22%, 36%, 20.2%। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? 20.2% HCl। चलो तीन नंबर में देखिए, तीन नंबर में कहता है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। ये जियोस्ट्रोपी मिश्रण, असंतृप्त या अतिसंतृप्त या आदर्श। तो नो का आप लोग आंसर दीजिए, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, एजिस्ट्रो मिश्रण कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो दस नंबर में देखिए, इतना इतना ग्लूकोज में विलयन की तुलना में इतना इतना विलयन के हिमांक के अवनमन है,
समान है, लगभग दुगुना है, लगभग तिगुना है, लगभग छह गुना है, तो इसका गुणनफल कितना होगा? 10 का आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका गुणनफल लगभग 3 गुना होगा। चलो 11 में देखिए, ग्यारह में कहता है कि निम्न में कौन अनुसंख्या गुण धर्म है? शयनता, पृष्ठतनाव, अपवर्तनांक, प्रासरण दाब। तो कौन हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? प्रासरण दाब। चलो आगे देखिए, CaNO3 2 में वांट ऑफ गुणक होता है 1 2 3 4, तो 3 का आप लोग आंसर, 12 का आप लोग आंसर दीजिए। 12 का क्या हो जाएगा? 3 होता है। चलो 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है तो क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होता है, ताप कम होता है, वहां ज्यादा होता है, या फिर वहां हवा ज्यादा होता है? 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। चलो 14 नंबर देखिए, 14 में कहता है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है? प्रसरण, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धायु। तो 14 के आंसर कौन हो जाएगा? प्रसरण हो जाएगा। चलो 15 का देखिए, 15 में कहता है प्रसरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त की होते हैं? प्रसरण दाब जो निकालते हैं वह किसके द्वारा निकाला जाता है? 6 का आप लोग आंसर दें, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, पी बराबर CRT। चलो 16 नंबर देखिए, 16 में कहता है कि अर्ध प्राग में झिल्ली में प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं विलय के अणु, विलाय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो कौन निकल पाते हैं? 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 16 का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, विलाय के अणु। 17 में देखिएगा, 17 में कहता है कि 0.1 MBaNO2 घोला का वांट ऑफ गुना कितना इतना हो तो विघटन स्तर होगा? ABCD में आप लोग जवाब दीजिए। तो 8 का आप लोग आंसर दीजिए, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा एजुकेशनल चैनल से जुड़ सके और पढ़ सके। तो 9 का आंसर आप लोग दीजिए, 9 का नहीं, 17 में था। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 87%। चलो 18 में देखिए, 18 में कहता है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ABCD में जवाब दीजिए। 18 का आप लोग आंसर दीजिए। 18 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। चलो 19 में देखिए,
घोल का सांद्र क्या होगा? 19 में कहता है एक घोल जिसका प्रसरण दाब 30 के और इतना इतना वायुमंडलीय है तो घोल का सांद्रण क्या होगा? ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। घोल का सांद्र कौन होगा? डी नंबर हो जाएगा 0.003 m। चला 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनवन होगा? K2SO4 का, NaCl का, यूरिया का या ग्लूकोज का? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K2SO4। 11 नहीं, 20 ने था K2SO4। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। चला 21 नंबर में कहता है कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व है, द्रव्यमान है, क्वथनांक है, उन्नयन है, ताप है। तो इसका उदाहरण कौन है? ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा क्वथनांक, उन्नयन, इसका सी नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का आज का 21 क्वेश्चन समाप्त। ये दो चैप्टर केमिस्ट्री का भी खत्म हो गया। अब कल से आप लोग का फिजिक्स का 2 चैप्टर चलेगा, उसके बाद फिर से बायोलॉजी का। तो ये हो गया आप लोग का ख़त्म। तो तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।